हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, लेकिन आपके सामने जब भी आएगी आपके पार्टनर की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, उससे आपको पता लगेगी क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। सेवन ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। And the last card we have the energy of Queen of Coins, bottom of the deck, the Lovers. Wow. आपके person के message की बात करते हैं कि वो आपको क्या message देना चाहते हैं। यहाँ पर Three of Wands and the Lovers की energy है। ये specially message उन लोगों से ज्यादा resonate करेगा जिनका प्यार एकदम सच्चा है, divinely guided connection है, true love है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी की रीडिंग ही इस तरीके की आई है। सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर आपको ये देना चाहते हैं कि जब से आपसे ये दूर हुए हैं, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो जिस तरीके से आपको चैन नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही आपके पार्टनर भी चैन से नहीं है, खुश नहीं है, परेशान है, तड़प में है, और बहुत ज्यादा हो सकता है इन्हें हेल्थ इश्यूज भी हो गए हों। मतलब इससे बुरा समय, इससे बुरा फेज इन्होंने कभी नहीं देखा था जो अब हालत इनकी है। ऐसा लग रहा है इनको कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, ये अपनी लाइफ में फेल हो गए और ये एक लूजर की तरह खुद को देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है, ये कनेक्शन खो दिया है इन्होंने। तो आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि ये आपके बिना इस नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में उतना ही तड़प रहे हैं जितना कि आप। इनके दिन रात बस इनको यही लगा रहता है कि मेरा उससे सब खत्म हो गया, या मैं हार गया, या मैं हार गई, मेरा प्यार सच्चा था, अब कैसे होगा, ये कैसे रिश्ता बचेगा। मतलब एक बहुत ज्यादा एंशियस एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त निकल के आ रही है। साथ ही साथ यहां पर यह भी एनर्जी है कि डजेंट मैटर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया आपके पार्टनर और आपके बीच में, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी इस रिश्ते में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफर्ट्स लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं। ये अभी भी समझ लीजिए कि ये हार नहीं माने हैं, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बाकी है, ये एंड नहीं है इस रिश्ते का, और मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करूंगा ही करूंगा, या करूंगी ही करूंगी, ये रिश्ता ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा या दूंगी, ये एनर्जी है। एंड इवन पॉसिबल है कि ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसा इन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हो जिस पर ये स्टेप्स लेते हुए, बेबी स्टेप्स के जरिए कुछ चीजों को पूरा करना चाहते हैं। एक होता है ना कि जब हमें पता है कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे तो जापान वगैरह में हाउसेस उस तरीके के बना लेते हैं लोग। तो एक जो पहले से रीप्लान्ड चीजें, प्री प्लान्ड चीजें होती हैं, वो आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पे, किस कनेक्शन को लेकर पूरे एफर्ट्स के साथ विद अ पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आपके पार्टनर कुछ क्रिएट करने की एनर्जी में है, और ये जो क्रिएशन है ये एफर्ट्स का दिख रहा है, ठीक है। ये जान चुके हैं कि आप इनके लाइफ में वो व्यक्ति हैं जो इनको हर तरीके से इनके लिए बेस्ट है, सर्वगुण संपन्न है, बेस्ट है, परफेक्ट है। आप अच्छा अर्न करते हो, आपके पास मैच्योरिटी हो, आप इनसे एज में बड़े हो, या फिर आपकी एज के अकॉर्डिंगली आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो, मैच्योरिटी में आपने बड़े बड़ों के लेवल पे आपका माइंडसेट है, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन है, तो ये आपको हर तरीके से अपने लिए कैपेबल देख रहे हैं, सुटेबल देख रहे हैं। तो ऐसा जिसका ऑरा हो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर इतना सब होने के बाद भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सब पे भारी है, तो ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, ग्रेसफुल है, ब्यूटिफुल सोल है, ये वाइब्रेशंस यहां पे है। एंड इवन आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, पॉसिबल है ये आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक भी है, तब भी द कनेक्शन इज डिवाइन, डिवाइनली गाइडेड। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और ये ऐसे ही आपको नहीं छोड़ सकते, अपर एकदम बोलिए तो गर्ल एंड द बीस्ट, पता नहीं कौन सा वो स्टोरी या कुछ ऐसा टीवी पे आता था कार्टून, बिल्कुल यहां देखेंगे एक राक्षस और यहाँ पे एक लड़की है, एंजल है।
तो वहां यहाँ पर यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन आ गई है, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्यार तब भी था, प्यार अब भी है और आगे भी रहेगा। कोई इनसे इस प्यार को नहीं छीन सकता। आपकी और इनके बीच के जो फीलिंग इमोशंस रहे हैं उससे कोई चाहकर भी इन्हें नहीं भुला सकता, ये नहीं भुला पाएंगे। और इनके लिए जो आपके लिए जगह है इनके हृदय में वो कोई और ले ही नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपकी जगह इनके दिल से रिप्लेस कर दे, बदल दे, हो ही नहीं सकता। ये इस तरीके का कनेक्शन है। और ये दिन पे दिन कुछ ऐसी कोशिश जरूर कर रहे थे कि अगेन टू ऑफ कप्स है, द मजिशियन एनर्जी है, कि इस कनेक्शन में दूरियों को खत्म करें और ये इस कनेक्शन में एक हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव करें आपके साथ, दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ रीयूनियन, रिकंसिलेशन। तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन में विद एफर्ट्स चीजों को अब परमानेंट करना चाहते हैं और ये हर तरीके से इस कनेक्शन को बोलते ना कि यार इसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी जो ये क्रिएट करना चाहते हैं और ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि प्यार था, है और रहेगा। आप ही इनके ट्रू लव हो, ये आपको भुला नहीं सकते हैं और आपके आपको लेकर ये आज भी 24/7 सोच रहे हैं और अभी भी ये बहुत ज्यादा होपफुल एनर्जी में है कि सब कुछ बेस्ट होगा इस कनेक्शन में। इनके पास इतना कैलेबर है, पावर है कि ये इस कनेक्शन को ठीक करेंगे और इसको इसके एंड पॉइंट तक ले जाएंगे, जो भी आपने डिसाइड किया, फ्रेंड्स रहना, यूनियन में रहना, रिलेशनशिप रखना, शादी करना, जो भी एम आप लोगों का रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस, आपके पार्टनर का मैसेज। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।